पार्वती, एक संबंध की सफलता वो है जब शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, केवल आभास रहे, विश्वास रहे, जागरूकता रहे, संतोष रहे, बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की बात समझ लें। अवश्य स्वामी, और दाम्पत्य जीवन के सफल होने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। फिर भी मुझे आभास हो रहा है पार्वती, कि मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं कितना धन्य हुआ हूं। तुम्हें पाकर मैंने कभी तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त नहीं किए स्पष्ट शब्दों में। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? वही जिसका आभास मुझे प्रतिपल प्रतिदिन रहा है, किंतु मेरे शब्दों में यह भाव कभी भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो सके। मैंने कभी तुमसे धन्यवाद नहीं कहा, जबकि मुझे निरंतर इस बात का बोध होता रहा कि मेरी ये यात्रा तो तुम्हारे बिना संभव ही नहीं होती। एक वैराग्य, जिसे तुमने गृहस्थ जीवन के सुख से परिचित कराया, अपने सानिध्य से परिपूर्ण किया। संतान का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया। यदि मैं पिता न बनता तो पिता मां बनने का सुख कैसे प्राप्त होता? पार्वती, तुम्हारे आगमन से केवल मुझे ही नहीं, समस्त संसार को, कैलाश को एक नया अर्थ मिला है। स्वामी, कृतज्ञता व्यक्त करके आप हमें ऋणी बनाना चाहते हैं? कृतज्ञ तो हमें होना चाहिए। आप तो सदैव संपूर्ण थे और संपूर्ण रहेंगे। के पश्चात आपने हमें हर रूप में स्वीकार किया और हमारा जीवन परिपूर्ण किया। हमने ऐसे कई निर्णय आपकी इच्छा के विरुद्ध लिए। हमारा वहां बिन बुलाए जाना उचित नहीं होगा सती। हमारे वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा दक्षायण। अहित, अहित, अहित। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊं। नहीं सती, मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। आपको मेरी सौगत, आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती,
आप रुष्ट भी हुए किंतु कभी भी आपने स्वयं को हमसे न पृथक किया और न होने दिया। तुमसे पृथक अपने आप को दंडित करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी पार्वती। नहीं स्वामी, हमें आभास है हमने आपको बहुत दुख दिए हैं, और जब आभार व्यक्त करने की बात हो सकती है तो क्षमा की क्यों नहीं।